नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए भी नहीं है कि तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। महागठबंधन बनाने की कवायद में तेजी आ गई है। चुनाव के नतीजे कल आएंगे, वोटों की गिनती कल सुबह शुरू होगी, लेकिन इससे एक दिन पहले तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर एक मंच पर आकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी को हराने के लिए, अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए वो सब एक हैं। पार्लियामेंट में हुई इस अहम बैठक में विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। इसकी गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से 6 बड़े नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद आए हैं, सोनिया गांधी आई हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, अहमद पटेल हैं, कोषाध्यक्ष पार्टी के हैं और लंबे समय तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे हैं, अशोक गहलोत हैं और गुलाम नबी आज़ाद हैं जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इन विपक्षी दलों के साथ होने वाली बैठक को कितनी गंभीरता से ले रही है और विपक्षी दलों में कांग्रेस के साथ जितने पहले दल रह चुके हैं यूपीए में, लगभग वो सभी दल शामिल हैं। एनसीपी की तरफ से शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल आए हैं, फारूक अब्दुल्ला आए हैं, यहाँ बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में आए हैं, ममता बनर्जी इस बैठक में आई हैं। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं इस बात पर एक राय हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इस बैठक में सभी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें अपने अपने राज्यों में उन तमाम पार्टियों को इकट्ठा करना होगा जो बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकना होगा, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। हालांकि इस महागठबंधन के आकार को लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं। कई बार ये बात होती है कि भाई मायावती और मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की बात चल रही है। वहीं वामपंथी और वामपंथी दल के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। वामपंथियों और ममता बनर्जी के बीच के तालमेल को लेकर सवाल उठता है, लेकिन वो उनकी तरफ से भी साफ बात कही जा सकती है कि बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटे हितों की कुर्बानी दी जा सकती है। तो इस बैठक में जिस तरह से तमाम नेता शामिल हुए हैं, आपसी मतभेद भुलाकर शामिल हुए हैं, उससे एक ये मैसेज जाता है कि बीजेपी के खिलाफ तमाम नेता अब एक हैं और तमाम दलों को ये लगने लगा है कि अगर आपस में एकता नहीं हुई, एकजुटता नहीं हुई, एक महागठबंधन नहीं बना तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी तो उनका खुद का वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये कई दल सिर्फ इसलिए भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं कि उनका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है, उस अस्तित्व को बचाने की चुनौती उनके सामने है, लिहाजा इस महागठबंधन में शामिल होकर वो अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर भी सेव करना चाहते हैं। तो इस बैठक से जो संदेश निकला है वो संदेश यही निकला है कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए तमाम पार्टियां अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने को तैयार हैं। आगे गठबंधन क्या रूप लेगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें नेताओं के बीच अभी और बैठक होगी, लेकिन फिलहाल मैसेज यही है और बीजेपी इस बैठक को बड़ी गंभीरता से ले रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर ये गठबंधन हो जाएगा तो काफ़ी बड़ी चुनौती उसके लिए पेश हो सकती है। आज ही एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया है, हालांकि उनके इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद थी लेकिन वो बैठक में नहीं आए, लेकिन उनका कहना है कि उनके सामने सारे विकल्प खुले हैं, वो आरजेडी का हिस्सा बन सकते हैं, तो आरजेडी ऑलरेडी इस गठबंधन का हिस्सा रहेगी। तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।